उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आज आए विधान परिषद चुनाव परिणाम में भाजपा ने पहली बार बाजी मारी है। बीजेपी प्रत्याशी रहे शैलेंद्र प्रताप सिंह पांचवी बार इस पद पर अपनी बादशाहत कायम रखने में सफल रहे। उन्होंने जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की पुत्रवधू शिल्पा प्रजापति को 1269 मतों से हार का मजा चखा दिया। आपको बता दें, नगर के सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक भवन में आज मतगणना हुई। भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह को जहां 2480 मत तो वहीं सपा की शिल्पा प्रजापति को 1211 मत मिले। पूरे समय यहां जिलाधिकारी रवीश गुप्ता स्वयं मौजूद रहे। गौरतलब रहे कि सुल्तानपुर अमेठी में कुल 3895 वोटर थे। इनमें सुल्तानपुर में 2220 तो अमेठी में कुल 1675 मतदाता थे। सुल्तानपुर में जहां 2205 वोट पड़े थे, वहीं अमेठी में 1642 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह 1990 में जनता दल से विधान परिषद सदस्य चुने गए थे। फिर वर्ष 1996 और 2003 में भी वो विधान परिषद सदस्य चुने गए। इस बीच उन्होंने प्रतापगढ़ में कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के संपर्क में होने के कारण समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वर्ष 2004 में सपा से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें उन्हें बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद ताहिर खान ने पराजित कर दिया। शैलेंद्र सिंह को 1,59,754 वोट मिले थे। वर्ष 2010 में उन्होंने पुनः विधान परिषद का चुनाव लड़ा, मगर बसपा की लहर में उन्हें अशोक सिंह से हार का सामना करना पड़ा। उधर 2016 के चुनाव में शैलेंद्र सिंह ने फिर से विधान परिषद का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कराई थी। 16 जनवरी 2022 को सपाई से भाजपाई बन गए थे। उन्होंने पार्टी त्यागा ही था एमएलसी का पद बचाने के लिए। आज जहां उन्होंने अपना पद बचाया, वहीं भाजपा की झोली में पहली बार जीत दर्ज करके दे दी। जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे सबको साथ लेकर चल कर उनके साथ विकास कार्य करने का प्रयास ईमानदारी के साथ करें। जनता ने पांचवी बार, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, पांचवी बार आपको ये कमान सौंपी है, इस बार विकास की रफ्तार क्या बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर आगे चलकर लोगों के बीच काम भी हो रहा है। हम भी एक भारतीय जनता पार्टी छोटे से कार्यकर्ता हैं, मेरा भी विकास की तरफ रुख रहेगा, पूरा विकास करने का प्रयास करेंगे। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज